हेलो फ्रेंड्स, आहार जिंदगी एडुकेटर चैनल पर आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। हमारे चैनल पर मैथ्स और साइंस के क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक के ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो इन लेक्चर्स का लाभ उठाने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम फंक्शंस का ये हमारा तीसरा लेक्चर है और पिछले दो लेक्चर में हमने देखा फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एज अ कॉरेस्पॉन्डेंट, फंक्शन एज अ रिलेशन। उसके बाद हमने देखा है डोमेन और रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं फंक्शन का, और इक्वल फंक्शन क्या होता है हमने उसके बारे में भी डिस्कशन किया। और पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था रियल फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, और डोमेन एंड रेंज रियल वैल्यूड फंक्शन की कैसे निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिन लोगों ने हमारे पिछले दो लेक्चर को नहीं देखा है आप उन दोनों को जरूर देखें, आपको वो लेक्चर हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस की। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, उसके बाद हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन और फिर साइन ऑफ फंक्शन क्या होता है, ये सब डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट फंक्शन से। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, देखिए कोई भी फंक्शन अगर उसकी इमेज जो है कांस्टेंट रहे इररेस्पेक्टिव ऑफ डोमेन का हम क्या वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब y जो है हमारी इक्वल टू एफ एक्स अगर है तो y हमारी कांस्टेंट रहे तो उस केस में हमारा फंक्शन जो है कांस्टेंट फंक्शन हो जाता है। तो इस जब कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, हमारा y इज विल बी पैरेलल टू, मतलब फंक्शन जो है फंक्शन का कर्व पैरेलल टू x एक्सिस होगा। ठीक है, देखिए हम If k is a fixed real number, then a function fx is given by fx given by fx equal to k। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू जब के होगा फॉर ऑल एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम बोलते हैं इज कॉल्ड अ कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, इसका अगर हम ग्राफ पर प्लॉट करें तो कैसा आएगा देखें, ये अगर हमारा y एक्सिस हो गया y y डैश। ठीक है, ये अगर x एक्सिस है हमारा x एंड x डैश, तो y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू k। देखिए तो ये लाइन जो है ये हमारी एफ एक्स की वैल्यू है, एफ एक्स इक्वल टू k, एफ एक्स इक्वल टू k। ठीक है, और k ये ओरिजिन है हमारा, k डिस्टेंस जो है ये पार्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा डोमेन और रेंज जब निकालेंगे तो देखिए डोमेन तो इसका ऑल रियल नंबर्स हो जाएगा, डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आर से डिनोट करेंगे, और रेंज देखिए रेंज में क्या है कि इररेस्पेक्टिव ऑफ डोमेन का हम क्या वैल्यू ले रहे हैं हमारा एक ही वैल्यू आएगा k, तो इसमें एक ही एलिमेंट होगा हमारा रेंज में k। ठीक है, और जब एक एलिमेंट होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं सिंगलटन से। ठीक है, तो ये डोमेन और रेंज हो गया हमारा कांस्टेंट फंक्शन का। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन हम करते हैं डिस्कस, नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन, क्लीन कर लेते हैं इसको।
नेक्स्ट टाइप हमारा हो गया आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, तो इसमें देखिए आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है, y और y इक्वल टू एफ एक्स विल बी इक्वल टू x। ठीक है, जब y और एफ एक्स हम बोले तो जो हमारा डोमेन का जो भी वैल्यू लेते हैं x का डिपेंडेंट वेरिएबल जो भी हम लें, हमारा इमेज जो होगा इक्वल टू x ही होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लिखेंगे द फंक्शन दैट एसोसिएट्स each real number to itself, मतलब जो भी x होगा हमारा एफ एक्स उतना ही होगा, real number to itself is called the identity function। आइडेंटिटी फंक्शन और इसको डिनोट करते हैं हम आई से, इट इज डिनोटेड बाय आई। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, ये आपका एक्स वाई एक्सिस हो गया और ये आपका अगर एक्स एक्सिस है, ठीक है एक्स एक्स डैश, और ये ओरिजिन है, ओरिजिन को हम इधर से हटा लेते हैं, ठीक है इधर लिख लेते हैं ओरिजिन हो गया। अब देखिए इसमें क्या होता है कि y इक्वल टू एक्स होगा, तो जब प्लॉट करेंगे ना तो ये पासिंग थ्रू ओरिजिन एक स्ट्रेट लाइन बनेगा और ये इंक्लाइंड रहेगा x एक्सिस के साथ 45 डिग्री पर। ठीक है, ये एंगल 45 डिग्री होगा और y और एफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये हमारी वो इसकी प्लॉट कर दिया हमने। अब इसमें देखिए डोमेन और रेंज क्या होगा, डोमेन तो पूरा हो जाएगा हमारा रियल सेट, तो डोमेन इज इक्वल टू रियल सेट आर, रेंज क्या होगा देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स है तो रेंज भी हमारा आ रही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन हम देखते हैं मॉड्यूलस फंक्शन, इसको क्लीन कर लेते हैं पहले। मॉड्यूलस फंक्शन ठीक है, ये क्या होता है देखिए मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसमें हम देखिए लिखेंगे द फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, और ये देखिए ये क्या होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, तो जब x हम हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तो x ही होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब देखिए जब लेस देन जीरो है तो हम एक माइनस लगाएंगे उसको पॉजिटिव करने के लिए, क्योंकि जैसे माइनस वन है तो माइनस ऑफ माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, तो हम लिखते हैं माइनस ऑफ x व्हेन x इज लेस देन जीरो। ठीक है, तो द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, अब इसको जब प्लॉट करेंगे तो कैसा फिगर आएगा देखिए, ये हमारा y एक्सिस हो गया और इधर देखिए ये x एक्सिस हो गया।
एक्स एक्स डैश, ठीक है, इधर ओरिजिन हो गया, वाई वाई डैश। देखिए, मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इधर तो हमारा 45 डिग्री पे एक लाइन बनी है, यही हो गया वाई इक्वल टू एक्स और एफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो ये हमारा हो गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स। अब देखिए, जब एक्स लेस देन 0 है तो माइनस ऑफ एक्स, मतलब एफ एक्स तो हमारा पॉजिटिव ही रहने वाला है, तो ये इधर आपका यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ठीक है, ये आपका 135 डिग्री रहेगा और ये वाला एंगल 45 डिग्री रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है, एक्स निगेटिव है तो उसको प्लस करने के लिए आगे माइनस लग गया, तो ये प्लॉट हो गया आपका। अब देखिए, इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। डोमेन तो हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स हो जाएगा, डोमेन इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, और रेंज कितना हो जाएगा। रेंज देखिए, हमेशा ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, और या आर प्लस से इंडिकेट कर देंगे, ठीक है, या हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ आर सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अब हम आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे इसके प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा, इसका प्रॉपर्टीज सारा, पहला तो फॉर एनी नंबर लिखिए आप, फॉर एनी रियल नंबर एक्स, रियल नंबर एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमारा रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स है, तो प्लस माइनस कॉस एक्स आएगा, ठीक, अगर रूट अंडर कॉस स्क्वायर एक्स है, एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसका क्या रूट आएगा, मॉड ऑफ कॉस एक्स पॉजिटिव ही होना चाहिए। और ये देखिए, अगर एक्स हमारा कॉस एक्स जब पॉजिटिव है तो हम ये प्लस कॉस एक्स लिखेंगे या कॉस एक्स लिखेंगे, और कॉस एक्स पॉजिटिव कब होता है, जब ये पाई बाय टू से कम हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, अगर हम 0 to π कंसिडर करें, ठीक है, और पाई बाय टू से पाई निगेटिव होता है तो उसमें हम लिखेंगे माइनस ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन पाई बाय टू एंड लेस देन इक्वल टू पाई, इस केस में माइनस, ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है हमारा, देखिए ए और बी अगर दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो देखिए क्या होता है प्रॉपर्टी, अगर एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर है, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए, और पॉजिटिव है तो मॉड लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ए लिख देंगे, ठीक है, सिर्फ ए लिखिए, मॉड एक्स इक्वल टू इज लेस देन इक्वल टू ए। और अगर आप इसको नंबर लाइन पे दिखाइएगा, देखें, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए, ये ओरिजिन है, अगर ये हमारा ए हो गया, ये माइनस ए हो गया, तो इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है, तभी लेस देन इक्वल टू ए होगा, तो हम लिख सकते हैं माइनस ए एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए एंड लेस देन इक्वल टू ए, ठीक है, ये ही उसका रेंज है यहां से लेकर यहां तक,
सेकेंड इसमें देखिए एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर, इसमें क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ। अब देखिए मॉड ऑफ एक्स ए से बड़ा है तो आइदर इस साइड आएगा, ठीक है, इस साइड और इस साइड जाएगा, मतलब ए से बड़ा होना चाहिए या माइनस ए से छोटा होना चाहिए, तो हम लिखेंगे एक्स इज आइदर लेस देन इक्वल टू माइनस ए और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर इक्वालिटी नहीं हो, एक्स स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर, इस केस में क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए, इक्वालिटी का साइन हटा देंगे, तो इसमें हो गया हमारा एक्स इज ग्रेटर देन माइनस ए एंड लेस देन ए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ गई, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, सिर्फ इक्वालिटी साइन हटाए, हम ऊपर ये वाला ही देख रहे हैं, ठीक है, तो मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए और इसमें क्या होगा, फिर से एक्स इज लेस देन माइनस ए और एक्स इज ग्रेटर देन ए, इक्वालिटी साइन हटा देना, ठीक है। ये तो रहा जब हमें एक इक्वालिटी हो या एक से एक नंबर से कंपैरिजन करना है, अगर दो नंबर है ए और बी, ठीक, तो ये केस लेते हैं हम लोग, देखिए एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर बट ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर, इस केस में क्या होगा, हम लिख लेंगे मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी बट ग्रेटर देन इक्वल टू ए। तो अब इसको जब हम प्लॉट करेंगे यहाँ नंबर लाइन पे, ठीक है, बी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ए है बट लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन ए बट लेस देन बी, ठीक है, तो अगर ए और बी दो नंबर आ गए, ये ओरिजिन है हमारा, ए इधर आ गया और इधर अगर माइनस ए आ गया और ये बी हो गया माइनस बी, ठीक है, तो आइदर ये पोर्शन होगा ग्रेटर देन ए इज एक्स इज ग्रेटर देन, मतलब ये वाला केस है, देखिए सेकेंड वाला केस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो एक्स इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, और लेस देन बी, ठीक है, और इधर आपका ये, तो ये दोनों पोर्शन इंक्लूड हो जाएगा आपका, तो ये इंप्लाइज दैट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ, दोनों क्लोज है, देखिए इक्वालिटी साइन दोनों जगह है, तो माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ए टू बी, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखिए एक्स स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर, इक्वालिटी बस अगर नहीं रहेगा तो इसमें भी हमारा वैसे ही करेंगे, एक्स मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ, सिर्फ क्लोज जहां इंटरवल क्लोज है उसको ओपन कर देंगे, तो माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ए टू बी, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी थर्ड वाला डिस्कस कर लेते हैं, प्रॉपर्टी थर्ड क्या बोलता है, अगर एक्स एंड वाई दो रियल नंबर्स हैं, ठीक है, तो टू रियल नंबर्स एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई, ये कब होगा, देखिए ये तभी होगा जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड वाई इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, दोनों के साइन सेम होने चाहिए, अगर एक पॉजिटिव रहा दूसरा निगेटिव रहा तो ये नहीं होगा, ठीक है, तो एक्स इज लेस देन 0 एंड वाई इज लेस देन 0, ठीक है। दूसरा देखिए मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, तो मॉड एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई, ये कब होगा, जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड
मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ वाई, ठीक है। और सेकेंड केस, एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो, वाई इज लेस देन इक्वल टू जीरो। और थर्ड कंडीशन होता है मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ वाई, ठीक है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो मॉड एक्स इज ग्रेटर देन मॉड वाई होगा, और दोनों निगेटिव है तो भी मॉड एक्स इज ग्रेटर देन मॉड वाई ही लिखेंगे। थर्ड पार्ट इसका देखते हैं, मॉड ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई, ठीक है। इक्वालिटी साइन होगा जब एक्स और वाई सेम साइन का हो, और जब अपोजिट साइन का होगा तो लेस देन कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मॉड ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई का मॉड, ठीक है। तो ये था हमारा मॉड्यूलस फंक्शन। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो क्लीन कर लेते हैं इसको पहले। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसको हम लोग फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। और क्या फ्लोर फंक्शन, तो क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? देखिए इसमें क्या होता है कि हम जो भी इंटीजर होता है ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द इंटीजर लेते हैं, ठीक है। सिंबल इसका क्या होता है, देखिए एक्स से डिनोट करते हैं, और ये इसको डिलीट कर देते हैं। फ्लोर फंक्शन, फ्लोर की तरफ नीचे आपका ये रहेगा ऐसे, ठीक है। ये इसका सिंबल हुआ। तो इसमें क्या होता है कि आपका फॉर एनी रियल नंबर एक्स दिस डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विच विल बी लेस देन और इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन denotes the greatest integer less than or equal to x, ठीक है। less than or equal to, अगर integer रहा तो equal हो जाएगा, और integer नहीं है तो उसे less than हो जाएगा, ठीक है। अब एग्जांपल देखिए, अगर आपका 3.75 है तो इसका क्या हो जाएगा? डेफिनेशन अगर देखेंगे तो इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दिस, तो इंटीग्रल पार्ट जो है इसका वो हो जाएगा 3 हो जाएगा इसका। अगर इंटीजर ही हम ले लेते हैं 4, तो ये जो इक्वल टू इंटीजर हो जाएगा 4 ही हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू एक्स। अब अगर निगेटिव में है, सपोज ये है मेरा -0.5, तो अब -0.5 तो इंटीजर है नहीं, तो इससे छोटा इंटीजर जो होगा वो हम लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा -1, ठीक है। तो ये था हमारा। अब इसको अगर ग्राफ पर प्लॉट करें तो कैसे करेंगे, ये देखें, ये हमारा x एक्सिस और y एक्सिस हो गया, x x डैश y एंड y डैश, ठीक है। अब इसमें तीन नंबर ले लेते हैं, जैसे 1, 2, 3, और इधर भी आप ले लीजिए x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3। निगेटिव में भी लेते हैं -1, -2 एंड -3, ठीक है। और निगेटिव y एक्सिस में -1, -2
-3। अब देखिए, जब x 1 से छोटा हो और 0 या उससे बड़ा हो तो y हमारा जो है, इसको अलग कर लूँ, लेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, ये देखिए, ये पोर्शन अगर 1 होगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 पे हम हॉलो सर्कल बनाएंगे। जब हमारा x 1 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, और 1 से बड़ा बट 2 से छोटा तो उस केस में 1 हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही 2 हुआ x, हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर हॉलो है और यहाँ पर ऊपर सॉलिड है। ठीक, ये सॉलिड है। तो यहां से लेकर 3 तक, 3 जैसे होगा उसके बाद इसका वैल्यू इंक्रीज करके 3 हो जाएगा। ठीक है, और इधर देखिए निगेटिव साइड, अगर 0 है तो 0 ही होगा, और 0 से छोटा है बट -1 से बड़ा है। ठीक है, तो आपका देखिए -1 तक का 1 हो जाएगा। ठीक है, 0 से छोटा बट -1 या उससे बड़ा या उतना ही। उसी तरफ यहां पर देखिए, -1 में -1 है, उससे छोटा होगा तो यहाँ -1 के पास सॉल्व है, और इधर 2, -2 का 2 होगा, उसी तरह -3 का 3 होगा, और उससे छोटा। ठीक है, -3 होगा। तो ये था इसका प्लॉट, हमने ऐसे किया। अब इसका डोमेन और रेंज क्या होगा? देखिए, डोमेन तो पूरा सभी रियल नंबर्स हो जाएगा, रियल नंबर का सेट। तो डोमेन इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, और रेंज क्या होगा? रेंज तो इंटीजर्स ही होंगे सिर्फ, तो रेंज को हम बोल सकते हैं सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, जेड से डिनोट कर देंगे। अब इसके भी प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे, जैसे मॉड्यूलस फंक्शन का एक करके हमने डिस्कस किया, तो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। प्रॉपर्टीज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं पहला देखें। अच्छा, यहां हम n हमारा एक इंटीजर है, इफ n इज एन इंटीजर एंड x इज अ रियल नंबर बिटवीन n एंड 10+1, x इज अ रियल नंबर बिटवीन एन एंड एन प्लस वन। ठीक है, तो ये सब कंसिडर करने के बाद हम प्रॉपर्टीज एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है माइनस ऑफ एन। अब देखिए, एन अगर इंटीजर है तो माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एन। ठीक है, एक्स प्लस के, सेकेंड प्रॉपर्टी देखें, एक्स प्लस के, तो इसमें क्या हो जाएगा? एक्स प्लस के यहां इंटीजर है तो वो बाहर आ जाएगा, वेयर के इज एन इंटीजर। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है हमारा माइनस ऑफ एक्स का। ठीक है, तो माइनस ऑफ एक्स -1 हो जाएगा अगर एक्स पॉजिटिव है। ठीक है, तो माइनस ऑफ एक्स। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारा एक्स प्लस माइनस ऑफ एक्स, ये हो जाएगा -1 इफ एक्स इज नॉट एन इंटीजर
और जीरो हो जाएगा जब एक्स इंटीजर है, ठीक है, तो भी जीरो होगा तो एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स हो जाएगा, जेड मतलब इंटीजर आ जाएगा, और माइनस एक्स का माइनस ऑफ आई आ जाएगा, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसको थोड़ा ऊपर, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारा, एक्स प्लस यानी एक्स माइनस ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वन इफ एक्स इज नॉट एन इंटीजर एंड ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इफ एक्स इज एन इंटीजर, ठीक है। और इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू के इंप्लायज एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू के वेयर के इज एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर, के इज एन इंटीजर, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी 7, एक्स इज लेस देन इक्वल टू के, इट इंप्लाइज एक्स इज लेस देन के प्लस वन, ठीक है, के इज एन एलिमेंट ऑफ जेड। 8th प्रॉपर्टी, एक्स इज ग्रेटर देन के, इट इंप्लाइज एक्स इज ग्रेटर देन के प्लस वन वेयर के इज एन इंटीजर, ठीक है। 9th, एक्स इज लेस देन के, इट इंप्लाइज एक्स इज लेस देन के इज एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर। 10th प्रॉपर्टी हमारा है, अगले दो हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स वाई इज एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 11, एक्स प्लस वन बाय एन प्लस एक्स प्लस टू बाय एन, ठीक है, इसी तरह हम आगे करेंगे, एक्स प्लस एन माइनस वन बाय एन, ठीक है, एन माइनस वन बाय एन, वन से तो लेस ही है, इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एन इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्मॉलेस्ट इंटीजर, पहले स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है वो देख लेंगे, उसके बाद इसका प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, ठीक है, क्लीन कर लें। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीलिंग फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर को फ्लोर फंक्शन, इसको बोलते हैं सीलिंग फंक्शन। ठीक है, और इसको डिनोट कैसे किया जाता है, देखिए ये सिंबल है उसका, ठीक है, ऊपर ऐसे रहेगा और अंदर एक्स लिखेंगे, अगर एक्स का हमें सीलिंग फंक्शन फाइंड करना है, ठीक है, तो ऐसे इंडिकेट करते हैं, ये उसका इंडिकेशन है, ठीक है। तो देखिए अब ये क्या होता है, इट डिनोट्स द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, इट डिनोट्स
द स्मॉलेस्ट इंटीजर। इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, ठीक है। अगर हम देखें सीलिंग फंक्शन 3.5 का लेवल, तो इससे बड़ा इंटीजर, ठीक है, इससे जस्ट बड़ा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब अगर हम -1.2 लें, तो इससे बड़ा इंटीजर -1 होगा, ठीक है, इससे बड़ा होना चाहिए। अगर इंटीजर है तो उसका सीलिंग फंक्शन सपोज 5 है, 5 का क्या लेंगे हम, 5 ही हो जाएगा। अगर ओनली फ्रैक्शन है, सपोज आपका 0.65, इसका कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 1, इससे बड़ा इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इसको हम प्लॉट करते हैं, तो इसका देखिए कैसा है प्लॉट, एक्स एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। अब इधर नंबर भी लेते हैं हम, 1, 2, 3, -1, -2 एंड -3। तो इधर वाई एक्सिस पे भी ले लेते हैं, 1, 2, 3, और माइनस वाई में -1, -2, -3, ठीक है। अब देखिए एक्स अगर 0 से बड़ा है, 0 है तो 0 हो जाएगा, 0 से बड़ा है और अप टू 1, ठीक है, 0 छोड़कर, 0 छोड़ दीजिए, दूसरा कदम से लेते हैं, देखिए 0 छोड़ दीजिए, उसके बाद अप टू 1 अगर है तो ये 1 होगा, ठीक है। उसके बाद 1 से बड़ा बट 2 तक, 2 से छोटा या 2 तक के इक्वल, तो उसका 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 से बड़ा बट 3 से छोटा या 3 के बराबर, 3 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह इधर भी प्लॉट कर सकते हैं, ये हो गया आपका, ठीक है, -1 और इधर आ जाएगा आपका -2। -1 से यहां तक इधर हो गया, -2 से लेकर यहाँ -1, उसके बाद यहाँ -2 हो जाएगा, और -3 जैसे होगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका प्लॉट है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन या सीलिंग फंक्शन का। अब आगे इसका भी प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हमने डिस्कस किया। प्रॉपर्टीज ऑफ ठीक है प्रॉपर्टीज ऑफ स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, पहला देखिए, इफ एन इज एन इंटीजर, ठीक है, एक्स इज अ रियल नंबर, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, माइनस इंटीजर, इंटीजर जो नहीं है, ठीक है, एक्स जो है इंटीजर नहीं है, तो इसमें क्या होता है, पहला प्रॉपर्टी देखिए, माइनस ऑफ टेन इक्वल टू माइनस ऑफ एन, ठीक है, वेयर एन इज एन एलिमेंट ऑफ जेड, ठीक है, ऊपर हम ऑलरेडी लिख ही चुके हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है, माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस 1, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, एक्स प्लस एन इक्वल टू एक्स का स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस इंटीजर आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, एक्स प्लस माइनस एक्स, एक्स का स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस माइनस एक्स का स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए जब इंटीजर है तब तो ये 0 हो जाएगा, इफ
एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर, और इंटीजर जब नहीं है तो क्या होगा, वन होगा, ठीक है। वन इफ एक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ जेड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एक्स का स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस और माइनस एक्स का स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ये हो गया देखिए हमारा ट्वाइस ऑफ स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, माइनस वन इफ एक्स इज नॉट एन इंटीजर एंड ट्वाइस ऑफ स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन जब हमारा एक्स एक इंटीजर है, ठीक है। तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्लीन कर लेते हैं इसको। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन जो है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर हमने डिस्कस किया, स्मॉलेस्ट इंटीजर किया, अब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। इसको देखिए, इसको हम ऐसे इंडिकेट करते हैं, अगर x का निकालना है तो फ्रैक्शनल पार्ट इस सिंबल से इंडिकेट होगा, ठीक है। तो ये इसमें होता है, देखिए, इट डिनोट्स द फ्रैक्शनल पार्ट और डेसिमल पार्ट ऑफ x, इट डिनोट्स द फ्रैक्शनल पार्ट और डेसिमल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका डोमेन इसका क्या हो जाएगा, डोमेन, अच्छा पहले प्लॉट कर लेते हैं, देखिए अगर मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज 2.5 है, इसका फ्रैक्शन कितना है, इंटीजर छोड़ देंगे जो भी फ्रैक्शन बटेगा वही हो जाएगा 0.5। अगर माइनस 2.75 है, ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, पहले हम इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो पॉइंट इसको हम लिख सकते हैं माइनस 3 प्लस 0.25, तो ये 0.25 हो जाएगा। इसी तरह माइनस 0.55 है, तो माइनस 0.55 को लिख सकते हैं 1 माइनस 0.45, और नहीं माइनस 1 प्लस 0.45, तो ये हो जाएगा 0.45, ठीक है। इंटीजर है तो उसका 0 हो जाएगा, अगर मान लीजिए आपका, और ये मैंने ये ब्रैकेट नहीं होगा, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें आपको ऐसे इंडिकेट, ये तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये वाला सिंबल आएगा, ठीक है, 2.5, यहां भी वही आएगा, तो ये हो गया, ठीक है। इंटीजर जब है, सपोज आपका 1 है, तो 1.5 क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा, कुछ भी फ्रैक्शन नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसको जब हम प्लॉट करेंगे x और y एक्सिस पे, एक्स वाई प्लेन पे प्लॉट करते हैं, ये हमारा x एक्सिस हो गया और ये y, ठीक है, 0, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। देखिए जैसे इंटीजर है तो ये 0 का 0 हो जाएगा, ये देखिए ऐसे आएगा, 1 जैसे हुआ फिर ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये देखिए 2 तक, 2, ये 1 है, ये हमारा 2 है, ठीक है, ये 3 है, 3 जैसे हुआ ये 0 हो जाएगा। तो ये 0 से 1 के बीच में लाई सकता है, और 0 पे इक्वालिटी होल्ड करेगा, और 1 पे जो है इक्वालिटी कोड नहीं करेगा आपका, माइनस 2, ठीक है। तो ये उसका प्लॉट है,
अब इसका अगर हम डोमेन देखते हैं, डोमेन जो हो जाएगा हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स, और रेंज क्या हो जाएगा इस फंक्शन का, रेंज देखिए ये 0 to 1 ही वेरी करेगा, और 1 0 के बराबर हो सकता है, तो 1 के बराबर नहीं हो सकता, तो 1 पे ओपन रहेगा, तो 0 to 1, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा, ये तो हो गया, नेक्स्ट है साइनम फंक्शन, ये क्या होता है, क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद वो भी डिस्कस कर लेंगे। साइनम फंक्शन, ठीक है, देखिए साइनम फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है, व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और जब एक्स 0 होता है तो ये 0 के बराबर होता है, ठीक है। और इसको भी हम इवन ब्रेक कर सकते हैं फर्दर, मॉड ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस एक्स, प्लस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो जब एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो 1 x/x हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये एक्स इज ग्रेटर देन 0, 0 जब एक्स इज इक्वल टू 0, एंड -1 व्हेन एक्स इज लेस देन 0, ठीक है, ये हो गया एक्स, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं द फंक्शन डिफाइंड, द फंक्शन डिफाइंड बाय ये एफ एक्स इज कॉल्ड द साइनम फंक्शन, ठीक है। अब इसको एक्स वाई प्लेन में अगर हम प्लॉट करें तो कैसा आएगा कर्व इसका, ये देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और इधर आपका वाई एक्सिस, ये देखिए व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 तो ये 1 है, तो एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स 0 है तो यहां पर आपका हॉलो सर्कल रहेगा, क्योंकि एक्स जब 0 है तो 0 हो जाएगा, ठीक है, ये इधर एक्सटेंड करेगा। उसी तरह जब एक्स इज लेस देन 0 यहां पर हॉलो रहेगा, तो ये इधर आ जाएगा, यहां पर 1 है और ये -1 है हमारा और इधर 0 है, ठीक है, 0 -1, ठीक है। तो एक्स जब 0 से बड़ा है 1, 0 से छोटा है -1। अब इसका डोमेन और रेंज क्या हो जाएगा, डोमेन देखिए ऑल रियल नंबर्स हो जाएगा, डोमेन इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, रेंज देखिए रेंज ऊपर देखिए, यहां पर हमने डिफाइन ऑलरेडी कर चुके हैं 1 0 और -1, तो ये 3 ही नंबर हो सकता है, तो -1 0 एंड 1, तो ये हमारा हो गया साइन फंक्शन का डिस्क्रिप्शन, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हमने देखा कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन और उसके प्रॉपर्टीज भी देखें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और साइन फंक्शन, ठीक है। तो हमें उम्मीद है आप सभी लोगों को ये लेक्चर में समझ में आया होगा सब कुछ, अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट जरूर लिखें, हम आपके डाउट को क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, आपने इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन बटन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।